गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, जिसका सब्जेक्ट कोड है ECE 305। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसको कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो पहले इसका हम सिलेबस फ्लो देख लेते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर BTI के जो सिलेबस है इसके अंदर 5 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। तो चैप्टर्स कहाँ से हैं, यूनिट फर्स्ट के अंदर है कंट्रोल सिस्टम इंट्रोडक्शन टू या बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, यूनिट वन के अंदर ये टॉपिक है या यूनिट वन ये है। इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। वैसे तो ये पूरा एक ही चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट होगा वो है हमारा कि बेसिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन टू ऑफ कंट्रोल सिस्टम, किसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, मतलब डेफिनेशन। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम लाइक ओपन लूप एंड क्लोज लूप, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा भी कई टाइप के सिस्टम्स होते हैं कंट्रोल सिस्टम, लीनियर, नॉन लीनियर एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफर फंक्शन। उसके बाद कोई भी एक RC नेटवर्क है उसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, इसके अंदर ये टॉपिक्स हो गए। इनके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे वो डिस्कस करेंगे। BTR के सिलेबस के अंदर ये पूरा एक ही दिया हुआ है, मतलब टॉपिक वाइज दिया हुआ है, लेकिन हम इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। बी है ब्लॉक डायग्राम एंड इट्स रिडक्शन टेक्निक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इजी है और इंपॉर्टेंट है, बन जाते हैं आसानी से क्वेश्चन। सी है सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये सब क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। ये जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है इसको निकालने के मेथड्स हैं, ब्लॉक डायग्राम हुआ, सिग्नल फ्लो ग्राफ हुआ, सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट यूनिट का टॉपिक्स हैं। इसके अलावा ये तो BTR में दिए हुए, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ फीडबैक, टाइप ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ फीडबैक और ऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। इफेक्ट ऑफ फीडबैक से पहले आगे टाइप ऑफ फीडबैक, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, दोनों अलग अलग, दोनों हम डिटेल में देखेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट पे आते हैं। सेकेंड यूनिट में क्या है, हम कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स इसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। लाइक सर्वो मोटर,
सर्वो मोटर क्या होती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। सर्वो मोटर मोटर दो टाइप की होती हैं, डीसी एंड एसी। नेक्स्ट आता है हमारा सिंक्रो पेयर। सिंक्रो पेयर नेक्स्ट है टेको जनरेटर। टेको जनरेटर तो ये हमारा सेकेंड यूनिट है, इसके अंदर भी कुछ कुछ टॉपिक हैं। यूनिट थर्ड पे आते हैं। सिलेबस में यूनिट थर्ड भी टॉपिक वाइज दी हुई है, लेकिन हमारी इजीनेस के लिए हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि थर्ड, हाँ ठीक है, इसको दो पार्ट में ही ब्रेक कर लेते हैं, या फिर यूनिट दे दीजिए थर्ड यूनिट यूनिट फोर, लेकिन वो सिलेबस में दिया तो उसके अकॉर्डिंग हम दो पार्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट है हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस। इसके अंदर हम देखेंगे कि टाइम डोमेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कैसे ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस से अलग है। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कुछ टेस्ट सिग्नल्स हैं हमारे, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे और उनका ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे, ठीक है, कुछ सिग्नल है टेस्ट सिग्नल, क्योंकि हमें एनालिसिस करना है तो क्या है, हमें टेस्ट सिग्नल तो देना ही पड़ेगा, सिग्नल तो अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ऑर्डर क्या होता है, टाइप क्या होता है, ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद हो गया स्टेप रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तो हम तीनों चारों जो भी टेस्ट सिग्नल उनको देखेंगे, लेकिन क्यों पर्टिकुलरली हम स्टेप रिस्पॉन्स निकालते हैं वो भी हम देखेंगे, और स्टेप रिस्पॉन्स निकालेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। रिस्पॉन्स तो हम किसी भी इनपुट के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारे टेस्ट सिग्नल्स हैं, इनको इजी इनका एनालिसिस इजी रहता है, उसमें भी स्पेसिफिक है स्टेप इनपुट। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट है हमारा, उसके अंदर हम देखेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे हमारे कंट्रोल सिस्टम का। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, जैसे कि हमारा एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम, फिर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, रिलेटिव स्टेबल सिस्टम, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है, ये टर्म्स हम देखेंगे। और जो स्टेबिलिटी को चेक करने का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है राउस सर्विस क्राइटेरिया। इसको इसके अंदर ही आ गया स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर, राउस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। इन सबसे पहले आते हैं हमारे पोल्स एंड जीरोस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये सेकेंड ईयर में नेटवर्क थ्योरी या सर्किट थ्योरी के अंदर लास्ट टॉपिक है उसके अंदर एस प्लेन, उसके अंदर ये पढ़े, ठीक है। तो यूनिट थ्री हमारी यहाँ तक, हमारी यूनिट थ्री कंप्लीट हो गई। यूनिट फोर में हम देखेंगे रूट लोकस। अब जो भी आगे हम पढ़ेंगे ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे राउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, रूट लोकस, ये सब क्या है, स्टेबिलिटी को चेक करने के काम आते हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के काम आते हैं। तो रूट लोकस के अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, रूट लोकस क्या है, फिर इसके रूट लोकस को प्रोसेस करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स हैं, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर रूट लोकस प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ये तो रूल्स हो गए, उसके बाद हमें प्लॉट तो करना पड़ेगा, रूट लोकस प्लॉट, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोल या फिर जीरो ऐड करें तो रूट लोकस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पोल और जीरो ऐड करेंगे तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। पोल्स क्या बताते हैं स्टेबिलिटी को, और जीरोस क्या बताते हैं सिस्टम फास्ट है या स्लो, तो बाद में देखेंगे डिटेल में। यूनिट फाइव है
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यूनिट फोर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। यूनिट फोर के अंदर हमने क्या देखा, टाइम रिस्पॉन्स, सॉरी यूनिट थ्री के अंदर हमने क्या देखा, टाइम रिस्पॉन्स, टाइम डोमेन एनालिसिस। और यूनिट फाइव के अंदर हम क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे एंड स्पेसिफिकेशंस चेक करेंगे, क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं। फिर गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। फिर जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डोमेन जो टूल्स हैं स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, वो देखेंगे पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, बोडे प्लॉट, ठीक है, और एम एन सर्कल एंड सर्कल, एम एंड एन सर्कल। तो ये हमारा सिलेबस का फ्लो होगा, ठीक है। हम यूनिट वन से स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और धीरे 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 हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।